खबर सासाराम से है, जहां रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने शिवसागर रेलवे स्टेशन से दो अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बताया जाता है कि ये दोनों अपराधी अनूप दुबे उर्फ रावण तथा सोनू कुमार उर्फ सेरा रेल यात्रियों के साथ कुछ वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन RPF को गुप्त सूचना मिल गई, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए अनूप तथा सोनू को गिरफ्तार कर दिया गया। उनके पास से 3 मोबाइल भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। बता दें कि पर्व त्यौहार को लेकर RPF लगातार सजग है और आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। पकड़े हैं, 2 लोगों पकड़े हैं सर। आज दिनांक 22/10/22 को शिवसागर स्टेशन के पूर्वी छोर से 2 व्यक्तियों को 1 अदद देसी पिस्तौल और 315 की 3 गोली और साथ में 3 मोबाइल चोरी के साथ पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। RPF सासाराम। देसी कट्टा है सर? हाँ, देसी कट्टा है, 315 बोर का।